महात्मा के समक्ष पहुंचकर जय कुंवरी ने दूर से ही बड़े आदर पूर्वक महात्मा को प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोली, महात्मन, यह बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। 8 वर्ष का यह होने को चला, परंतु अभी भी कुछ बोल नहीं पाता। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग इसे गूंगा कहकर पुकारते हैं। इससे मुझे बड़ा क्लेश होता है। महाराज, ऐसी कृपा कीजिए कि इस बालक की वाणी खुल जाए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन्न परिकहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अर्थात महात्माओं का हृदय मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है। कहने का आशय है कि अपने उष्मा से, अपने ऊर्जा से, अपने दुख से पिघलता है और सत्पुरुष दूसरों के ताप से द्रवीभूत हो जाते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। फिर ये महात्मा तो दैवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उस वृद्धा की मन कामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां आए थे। उन्होंने बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार ध्यान पूर्वक देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडलों से जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर बोले, बच्चा कहो राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा बालक राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा जी की जय जयकार होने लगी। गूंगे पौत्र के मुख से भगवान श्री का नामोच्चार सुनकर वृद्धा जय कुंवरी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसको शब्दों में बता पाना बहुत ही कठिन है। उसने महात्मा जी को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता दीनता के साथ प्रार्थना की, बोली, महाराज, आपकी ही कृपा से मेरा पौत्र अब बोलने लगा। मेरा बड़ा पौत्र आप ही के जैसे मनीषियों के आशीर्वाद से राज्य में थानेदार के पद पर है। आप मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते, वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। महात्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, मां, मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है सब केवल प्रभु की कृपा से ही तो होता है। उन महामहिम परमात्मा की माया अघटन घटना पटियसी कहलाती है। अतः मेरा उपकार भूल कर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो माँ, और उनका नाम स्मरण भजन पूजन करो माँ। मैं इस तरह अकारण अथवा प्रतिष्ठा के लिए किसी गृहस्थ के घर पर नहीं जाता। तुम घर पर जाओ और जाकर प्रभु का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छा अनुसार यह कह जाता हूँ माँ कि थोड़े ही दिनों में एक कुलवती सुरूपा सुकन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस न हुआ। पौत्र के साथ प्रसन्न वदन अपने घर चली आई और उसने बड़े पौत्र वंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार कह सुनाया। वंशीधर ने महात्मा जी के दर्शन की अभिलाषा से सिपाहियों द्वारा उनकी बड़ी खोजबीन कराई, परंतु कहीं उनका पता न चल सका।
लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता को इष्ट मंत्र तथा वाचा देने के लिए स्वयं सिद्ध पुरुष कोई और न थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही तो थे। जी हाँ, ऐसे हमारे नरसिंह मेहता जी के जीवन में घटनाक्रम घटते हैं और वे बचपन से ही श्री भगवान जी के भजनों में रम जाते हैं। भगवान की भक्ति में ओतप्रोत नरसिंह मेहता धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। आगे उनके कुटुंब विस्तार के संबंध में आप भक्तगण श्रवण करें।